ये जो आप पॉट देख रहे हैं सीमेंट से बनाया हुआ पॉट है और इसको हमने रॉक स्टाइल बनाया है। ऐसा अगर आप पॉट बोनसाई पॉट अगर ऐसा बनाना चाहते हैं रॉक स्टाइल का तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हमारे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम अपना जेट प्लांट दिखा रहे हैं दोस्तों और इसको हम बोनसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादा नहीं, इसको सिर्फ 4 महीना हुआ है दोस्तों लगाए हुए और ये ऐसा रूप ले चुका है। ये वाली पॉट में हमने लगाया था। बोनसाई का सबसे पहला पार्ट होता है दोस्तों कि उसका रूट डेवलपमेंट करें, रूट को बड़े होने दें, उसके बाद ही हम इसका ब्रांच पे ध्यान देंगे। तो जेट प्लांट सबसे फास्ट ग्रोथ प्लांट होता है। इसका बोनसाई बहुत ही फास्ट तरीके से बनाया जा सकता है, साल भर में ये तैयार हो जाता है। तो इसका रिपोर्ट हम करेंगे दोस्तों, सॉइल कैसा बनाया जाएगा इसका सब चीज़ हम बताएंगे और इसके लिए जो पॉट हमने बनाया है यूनिक पॉट वो भी आप लोग को दिखाएंगे, तो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अच्छा रूट डेवलप हो चुका है, अब बोनसाई पॉट में लगाने के लिए तैयार हो चुका है। जब इसका रूट डेवलप हो जाए तभी आप बोनसाई पॉट में डालिएगा, प्लांट को ग्रोथ होने दीजिएगा। पहला ये बोनसाई का पहला पार्ट है, बहुत सारा है दोस्तों बोनसाई पे ध्यान देने वाली बातें, धीरे धीरे हम शेयर करते जाएंगे आप लोग को। तो आप भी जब भी बोनसाई अगर बनाना चाहते हैं तो ये जेट प्लांट का बोनसाई तैयार करें, आसान है दोस्तों, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। अब हम थोड़ा सा मिट्टी का सूखा हो तो जड़ टूट जाता है, इसलिए हम इसको पानी में साफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी से हमने इसका जड़ को पूरी तरह से साफ कर लिया है। पानी से साफ करने से होता है कि जड़ टूटता नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसका जड़ कितना बढ़ चुका है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है दोस्तों। तो हम आगे और बता रहे हैं कि जेट प्लांट में बोनसाई बनाने के लिए रूट को काटना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक बोनसाई बन जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में आगे और भी हम जेट प्लांट के बहुत सारा बोनसाई का स्टाइल होता है वो सारी चीज़ बताएंगे। आने वाला वीडियो में हम इसका जेट प्लांट का रूट और रॉक स्टाइल कैसा बनाएं वो भी स्टाइल हम बताएंगे। बहुत सारे स्टाइल होते हैं बोनसाई का, सारी चीज़ बताएंगे। तो हम इसको अब फंगीसाइड के पानी में पूरी तरीके से इसे डुबा देंगे जिससे इसका जड़ खराब नहीं होगा। सारे बोनसाई का जड़ को मैं फंगीसाइड वाले पानी से साफ करता हूँ जिससे जड़ कभी खराब नहीं होता, फंगस नहीं लगता है। कुछ देर इसको छोड़ दूंगा। ये जो आप पॉट देख रहे हैं सीमेंट से बनाया हुआ पॉट है और इसको हमने रॉक स्टाइल बनाया है। ऐसा अगर आप पॉट बोनसाई पॉट अगर ऐसा बनाना चाहते हैं रॉक स्टाइल का तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोग को ऐसा पॉट बनाने का जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। अब इस पॉट में हम अपना जेट प्लांट को लगाएंगे, जेट बोनसाई को जो हम बना रहे हैं उसको, और इसमें हमने पर्याप्त मात्रा में होल भी बना रखा है। फ्रेंड्स, हमने बोनसाई सॉइल बनाने का मिक्सर बोनसाई सॉइल कैसे बनाए ये हमने पहले ही बता चुका है। जेट प्लांट के लिए जो मिक्सर रहेगा दोस्तों, वन पार्ट मिट्टी रहेगा और उतने ही मात्रा में रेत रहेगा। रेत को आप छान लें, हल्का सा बड़े कंकड़ रहें, और वर्मी कंपोस्ट रहेगा और ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे। और इसमें हम फंगीसाइड जरूर डालेंगे, नीम के एक पाउडर बस दोस्तों, और थोड़ी सी मात्रा में बोन मिल डालेंगे, बहुत कम मात्रा में। जेट प्लांट सॉइल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, आप बोन मिल वगैरह भी नहीं डालेंगे तो चलेगा, लेकिन आप नीम के एक पाउडर जरूर डाल दें। और इसमें राइस हस्क और कोकोपीट बिल्कुल ना डालें दोस्तों, क्योंकि इसके जो ट्रंक होता है जेट प्लांट का बोनसाई बनाते टाइम, इसका जब भी आप सॉइल बनाएं, बोनसाई हो चाहे नॉर्मल जेट प्लांट जब भी लगाएं, तो आप मिट्टी जब तैयार करें तो बिल्कुल भी राइस हस्क और
कोकोपीट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें दोस्तों, क्योंकि ये अपने ट्रंक में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखा रहता है, इसको पानी का बहुत कम जरूरत पड़ता है। कड़ी धूप में भी रख सकते हैं इसको, बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला प्लांट है ये, पानी का ज़रूरत बहुत कम पड़ता है, पानी कम डालिएगा। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग का काम पूरा हो चुका है, हमने पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी डाल चुका है और आप देख रहे हो कि कितना सुंदर रूप ले चुका है। इसका अभी ट्रिम का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कुछ ही पिछले सप्ताह में हमने इसका ट्रिम किया था। तो जब भी आपको लगे कि इसका ब्रांच बढ़ रहा है, ट्रिम करते चलें, जिससे ये और घना हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर, तो कैसा लग रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हम बनाएंगे आप लोग को मिलता रहे। तो चैनल जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।